अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीन। आप देख रहे हैं कुक विद फरीन। आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी मालपुआ, बिल्कुल बाजार जैसा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एक बड़ा कप मैदा, एक छोटा कप गेहूं का आटा, एक गिलास दूध, ये फूड कलर है येलो फूड कलर, 5 छोटी इलायची और 3 अंडे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एक बड़ा तपीला ले लिया है और अब मैं इसमें 3 अंडे डाल दूंगी। 3 अंडे मैंने डाल दिया, अब मैं अच्छे से 3 अंडे को हिला मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने अंडे को अच्छे से मिक्स कर लिया एक दूसरे के साथ। मैंने ये चीनी ली थी एक बड़ा कप, जितना हम मैदा लेंगे उतनी ही चीनी लेंगे। उसमें मैंने हरी इलायची डाल के पीस लिया था, तो हम इसमें अब चीनी मिक्स कर लेंगे। पाउडर शुगर और इलायची को मैंने मिक्स कर लिया है, शुगर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। पाउडर शुगर और वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, अंडा और हमारी इलायची पाउडर तीनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा, अब मैदे का आटा डाल देंगे। सब अच्छे मिक्सर को अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने तीनों को अच्छे से मिक्स करना है और ज़रूरत पड़ते ही हम अभी थोड़ी देर में डालेंगे। ये देखिए, अभी हम दूध डाल देंगे इसमें। बैटर के हिसाब से हम दूध डालेंगे, जितना हमारा बैटर है उतना दूध डाल देंगे हम। और अब दूध डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हमारा बैटर ऐसा हो गया है, बट इसमें और थोड़ा सा दूध डालूँगी मैं और अच्छे से मिक्स कर लूँगी सबको। कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें। ये देखिए, मैंने दूध लिया था, थोड़ा सा दूध बचा है, ये इसे हम साइड में रख देंगे। और हमारा ये देखिए ऐसे पेस्ट रहना चाहिए हमारा। मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है, पेस्ट हमारा ऐसा होना चाहिए। ये देखिए, अब मैं इसमें फूड कलर डाल दूँगी, येलो फूड कलर डालूँगी मैं इसमें। ये देखिए, मैं इसमें ये एक ढक्कन येलो फूड कलर डाल रहा है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बैटर हमारा येलो कलर का हो जाएगा। ये देखिए, हमारा फूड कलर एकदम येलो कलर का हो गया है। मैं फूड कलर डाल दिया था और ये पूरा बैटर हमारा येलो कलर का हो गया है। तो अभी हम रबड़ी बनाने की तैयारी करेंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। रबड़ी के लिए हमें चाहिए, मैंने ये मेरी मलाई है, जो मैंने 3-4 दिन की मलाई थी मैंने जमा कर लिया था रबड़ी के लिए। और ये मैंने फ्रेश क्रीम लिया है, छोटा सा कप है ये, छोटा कप फ्रेश क्रीम। और ये मैंने एक बड़ा कप दूध लिया है, जिसको मैंने फुल नहीं भरा है, थोड़ा कम रखा है। और ये 2 इलायची, छोटी इलायची लिया है। तो अब मैं ये दूध जो है, ये देखिए, मैंने पहले भी दूध रखा था, इसमें थोड़ी मलाई है, तो मैं उसमें डाल दूँगी ये दूध। दूध को हम बॉईल कर लेंगे, पहले दूध गर्म हो जाएगा अच्छे से, फिर उसके बाद में हम मलाई और फ्रेश क्रीम और 2 छोटी इलायची डाल देंगे। फिर उसके बाद हमें जितना मीठा चाहिए उतनी शुगर डाल देंगे और उसको स्लो पे पकने देंगे। ये देखिए, मेरा दूध उबल रहा है, अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम और मेरी जो मलाई थी दूध की, जो मैंने निकाल के रखा था, वो मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास जमी हुई मलाई नहीं है तो आप दूध को, आप 2 कप दूध लीजिए, उसको अच्छे से पका के बता दिए आपको कितनी कंसेंट्रेट चाहिए रहेगी। ये देखिए, मैंने मलाई और फ्रेश क्रीम दोनों डाल दिया है। अब इसे, ये देखिए, ऐसे पतला है थोड़ा, और थोड़ा थिक होने देंगे हम इसे, अच्छे से उबलने देंगे इसको। देखिए, हमारी रबड़ी स्लो पर इस तरीके से पक रही है। आप चाहे तो फास्ट भी कर सकते हैं, मैं इसे स्लो पर पका रही हूँ। देखिए, इसकी थिकनेस नहीं आई है इसमें, थोड़ा थिक होने देंगे हम इसे और भी।